वन से लेकर यूनिट नंबर फाइव तक फाइव चैप्टर से वो लर्न कर लिए हैं। सो दिस वीडियो इज द रिवीजन वीडियो एंड आई विल टेक द टेस्ट। ओके, बेस्ड ऑन यूनिट्स वन टू फाइव, दिस इज द रिवीजन बेस्ड ऑन वन टू फाइव। वन टू फाइव यूनिट्स में आपने जो जो भी लर्न किया है उसके लिए यहाँ पे हम एक रिवीजन वीडियो से पीछे ले रहे हैं। रिवीजन के बाद फिर से हम नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। सो आपको आपकी जो ग्रामर की नोटबुक है इसमें ये रिवीजन है वो लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन।
subject in this sentence and leaves in Rashtrapati Bhavan is a predicate in this sentence. Second sentence is
क्वेश्चन नंबर टू, अंडरलाइन द नाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ नाउंस दे आर। ओके, तो नाउंस के नीचे आपको लाइन करनी है, नाउंस फाइंड आउट करने हैं, उसके नीचे लाइन करनी है और वो नाउन है वो कौन से काइंड का है वो आपको बताना है। तो हमने नाउन के काइंड्स डाउन किए है, कॉमन नाउंस, प्रॉपर नाउंस, कलेक्टिव नाउंस एंड मटेरियल्स नाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटेंस नंबर वन। सेंटेंस नंबर वन इज द बस इज फुल ऑफ पैसेंजर्स। सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही नाम हो और एक ही काइंड का नाम हो, है ना। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउंस भी हो सकते हैं और वो नाउंस अलग अलग काइंड्स के भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे दो नाम है, एक तो है बस और दूसरा है पैसेंजर्स। कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, तो अगर सभी के लिए जो वर्ड यूज होता हो पूरे ग्रुप के लिए, सभी के लिए, जैसे कि बॉय है तो सभी बॉय को हम बॉय कह सकते हैं, है ना। लेकिन रोहित है वो किसी एक ही बॉय का नेम हो सकता है, सभी बॉयज को हम रोहित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रोहित है वो क्या हो गया, पर्टिकुलर किसी एक बॉय के लिए ही यूज होगा, सो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन बॉय है वो कॉमन नाउन है, इसीलिए बॉस है वो कॉमन नाउन है और पैसेंजर्स है वो भी क्या है, कॉमन नाउन। जो जो बस में मुसाफरी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उन सभी को हम पैसेंजर बोल सकते हैं। आपके स्कूल छोड़ने आती हो वो भी, उसको भी हम बस बोलते हैं। दूसरे कोई स्टेशन पे कहीं पे भी आप बस देखोगे तो उसको बस ही बोलोगे, कोई अलग अलग नाम नहीं है ना। सो बस है वो भी कॉमन नाउन है, पैसेंजर्स है वो भी कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन। मैरी हैज अ यूज्ड डॉग। ओके, सो यहाँ पे नाम कितने कितने हैं, तो एक तो है मैरी, तो ये गर्ल का पर्टिकुलर नेम है, गर्ल का हैज अ यूज डॉग। यहाँ पे डॉग है वो भी एक नाम है और उसका भी नेम दिया गया है। डॉग का नेम क्या है, कैशर। कैशर है वो डॉग का पर्टिकुलर, कोई एक डॉग का नेम ही है ना, क्योंकि डॉग है वो सभी डॉग को हम डॉग कह सकते हैं। सो डॉग है वो कॉमन नाउन है और कैसर और मेरी है वो प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए है, ये पर्टिकुलर एनिमल के लिए, डॉग के लिए ही है। सभी डॉग के नेम कैसर नहीं होते हैं, सो ये भी प्रॉपर नाउन और मेरी भी प्रॉपर नाउन, जबकि डॉग है वो कॉमन नाउन है। तो इसमें दो काइंड्स आएंगे, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। A pack of cards
कार्ड्स, कार्ड्स है, सभी कार्ड्स को हम कार्ड्स ही बोलेंगे। फिर चाहे वो मेरे घर पे कार्ड का पेड़ हो उसको भी हम कार्ड्स ही बोलेंगे, आपके घर पे कार्ड्स हो तो उसको भी आप कार्ड्स ही बोलोगे, तो वो कॉमन हुआ, सभी जगह पे वो नेम यूज होता है। एंड दूसरा नाम है टेबल, स्कूल में टेबल पड़ी पड़ी है तो उसको भी टेबल ही बोलेंगे, आपके घर पे सेम थिंग है तो उसको भी हम टेबल ही बोलेंगे, तो सभी जगह पे टेबल है वो नाम यूज होता है। सो टेबल और कार्ड्स दोनों कॉमन नाम है, जबकि जो पैक है वो कलेक्शन शो करता है इसलिए वो कलेक्टिव नाम है। सो कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन। जेक और ना है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, सो इज अ प्रॉपर।
The army protected the city bravely. Army. Army is a group of soldiers. So army is a collective noun. And दूसरा नाम है city. City है सभी city को हम city कह सकते हैं. कोई particular city का name नहीं दिया है. So ये city है वो common noun है. So collective common nouns. Okay? So यहाँ पे ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है. आगे दूसरे भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो कंप्लीटली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीटली अपनी बुक में लिख लो.